Now the first question related to this topic, देखो इसमें it's a small length question, this one is simple one. इसमें function defined है fx is equal to this, जब x का value more than minus one से लेकर के zero के बीच में हो, तो ये function ऐसे defined है और जब x का value zero से लेकर के one के पहले हो, तो function ऐसे defined करना है. अब हम लोगों से कहा जा रहा है कि ये continuous है zero पर, तो y आप k का value find करो. कुछ भी नहीं, हम लोग इसमें ये दिखाएंगे कि जब कंटिन्यूअस होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू तीनों इक्वल होता है. देखो इसमें वो वाला सिचुएशन नहीं है कि x इज इक्वल टू 5 तो क्या होगा, x इज नॉट इक्वल टू 5 तो क्या होगा, ऐसा वाला सिचुएशन नहीं है. इसलिए इसमें हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट अलग से, राइट हैंड लिमिट अलग से फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे और इक्वेट करेंगे. तो चलिए हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट पहले पता करें. तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम लोग इसका पता करें एट x इज इक्वल टू 0, मतलब हम लोग लिखें लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, तो अपने पास ये वैल्यू हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और fx का वैल्यू लेना होगा जब 0 से कम है तो ये वाला फंक्शन होगा, तो रूट अंडर 1 प्लस kx माइनस रूट अंडर 1 माइनस kx डिवाइडेड बाय x. देखो बेटा अगर ऐसा कोई भी हो जिसमें कि इरेशनल पार्ट्स जुड़े हुए हो तो हम लोगों को चाहिए कि उसको रेशनलाइज कर लें, इसलिए कि अगर माइनस करने पर ये वैल्यू जीरो है तो प्लस करने पर जीरो नहीं होगा. इसका मतलब इसको हम लोगों को चाहिए कि रेशनलाइज कर लें. तो चलो रेशनलाइज कर लेते हैं. x टेंड्स टू 0 माइनस, ऊपर नीचे अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें 1 प्लस के एक्स माइनस 1 माइनस के एक्स बाय एक्स को अगर हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, कंजुगेट मतलब ये माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई कर दें, 1 माइनस के एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस के एक्स, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये इजिली न्यूमरेटर कितना हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बदल करके हो गया इतना लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और ये पार्ट हो गया अपने पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर तो रूट हट गया, इसका स्क्वायर तो रूट हट गया, ये हो गया 1 प्लस के एक्स माइनस 1 माइनस के एक्स, ये न्यूमरेटर में हो गया. डेनोमिनेटर में इससे कोई हार्म नहीं है तो उसको कैरी करो, इंटू 1 प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस के एक्स, इज इट क्लियर? ये जीरो नहीं है इसलिए इसको कैरी करने में कोई दिक्कत नहीं है. अब देखो ये जैसे ही ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस के एक्स और ये दोनों मिलकर के ट्वाइस हो जाएगा, तो एक्स टेंड्स टू 0 ये माइनस कैंसिल हो गया और ये माइनस मिलकर प्लस हो गया 2kx. डेनोमिनेटर में देखो फिर से अपने पास एक x दिख रहा है तो इस x को हम लोग इससे कैंसिल कर लेंगे. नाउ इट इज वेरी सिंपल वन, अब जीरो का वैल्यू इसमें रख दो, हो गया लिमिट का वैल्यू फाइंड हो गया, तो ये हो गया 2k, ये जीरो, ये वन, ये जीरो, ये वन, तो मिलकर के 2 कैंसिलेशन के बाद k. इसी तरह से अगर हम लोग राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 फाइंड करें तो ये कितना होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, राइट हैंड मतलब 0 से अधिक, 0 से अधिक में फंक्शन डिफाइंड है ऐसे, तो इसको लिख डालो 3x प्लस 6, 3x प्लस 6, 3x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 5x माइनस 2. देखो बेटा लिमिट में हमेशा ध्यान रखो, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का दोनों इस वैल्यू को रखने से एक फाइनाइट नंबर दे रहा हो तो आप वैल्यू पुट कर दो, कोई चिंता की बात नहीं है. तो ये जैसे ही जीरो इस पर पुट करेंगे तो ये हो गया 6 और ये हो गया माइनस 2, 6 और ये हो गया माइनस 2, दैट मीन्स माइनस 3, तो एक वैल्यू तो यहां से हमको मिल गया. फिर अपने पास लिखा हुआ है कि ये जो फंक्शन है इसका लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोगों ने फाइंड कर लिया, राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लिया, अब इसके बाद हम लोग फंक्शन का वैल्यू देखें, तो फंक्शन का वैल्यू किस पॉइंट पर, इसी पॉइंट जीरो पर, तो फंक्शन का वैल्यू जीरो पर कैसे देखेंगे, जीरो जब फंक्शन एक्स का वैल्यू लोगे तो फंक्शन डिफाइंड इसकी तरह नहीं है, फंक्शन डिफाइंड इसकी तरह है. तो इसका मतलब कि जब एक्स का वैल्यू जीरो है तो फंक्शन हमको ये लेना है, इसी फंक्शन में अगर जीरो पुट करेंगे तो एफ जीरो मिलेगा, तो इसमें पुट करेंगे तो कितना होगा, जीरो प्लस 6 बाय 0 माइनस 2, दैट मीन्स 6 बाय माइनस 2 एंड इट इज इक्वल टू माइनस 3. तो since it is continuous, since it is a continuous function, therefore left hand limit
at x is equal to 0 is equal to right hand limit at x is equal to 0 is equal to f0. अगर इन तीनों को इक्वेट करो, कौन कौन वैल्यूज को, इस वैल्यू को, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, then we get clearly k is equal to minus 3 and this is the answer. Is it clear? This is very simple question और आपने इसको जरूर सॉल्व किया होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. This is the second question and in this question देखो कुछ भी नहीं है. आपसे कहा ये जा रहा है कि ये फंक्शन डिफाइंड है ऐसे, x is not equal to pi by 4 पर फंक्शन fx ऐसे डिफाइंड है. हम लोगों से कहा जा रहा है कि f pi by 4 का वैल्यू पता करो so that f becomes continuous. f becomes continuous at pi by 4. देखो बेटा अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका साफ मतलब है कि उसके लिमिट का वैल्यू, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों लिमिट, लिमिट का वैल्यू उस फंक्शन के वैल्यू के इक्वल होना चाहिए. तो यहां पर सिचुएशन क्या है, एक है नॉट इक्वल टू और एक इक्वल टू की बात हो रही है. तो इसका मतलब ये कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेपरेटली नहीं फाइंड करेंगे, एक ही साथ फाइंड करेंगे. सीधे सीधे लिखेंगे x टेंड्स टू पाई बाय 4 जिसमें इंक्लूडेड होगा लेफ्ट हैंड लिमिट भी राइट हैंड लिमिट भी. तो हम ये पता करेंगे कि इसका लिमिट इस पॉइंट पर कितना होता है. जितना भी इसका लिमिट का वैल्यू होगा वही वैल्यू होना चाहिए फंक्शन का वैल्यू इस पॉइंट पर. अगर फंक्शन का वैल्यू उसके इक्वल होगा तभी कंटिन्यूअस होगा. इसका मतलब इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में हम लोगों से ये पूछा जा रहा है कि इसके लिमिट का वैल्यू पाई बाय 4 पर कितना होगा. इज इट क्लियर? तो हम लोग इसको पता करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग पता करें कि लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 पर इसका वैल्यू कितना होगा. तो पहले ये समझें कि इसका फंक्शन का हम लोग लिखें क्या. तो फंक्शन तो अपने पास ये होगा, तो रूट टू कॉस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई कॉट एक्स माइनस वन. पहले तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लें. देखिए लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 ये, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो ये कितना होगा, रूट टू कॉस एक्स माइनस वन, डेनोमिनेटर में कितना होगा कॉस एक्स बाई साइन एक्स, कॉस एक्स बाई साइन एक्स माइनस वन. सिंप्लीफाई करोगे तो साइन एक्स ऊपर चला जाएगा. तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 और ये हो गया ऊपर में रूट टू कॉस एक्स माइनस वन इन टू ये साइन एक्स ऊपर चला गया. तो साइन एक्स डेनोमिनेटर में अपने पास हो गया कॉस एक्स माइनस वन माइनस साइन एक्स, इससे मल्टीप्लीकेशन के बाद ये हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स. अब देखो बेटा यहां पर ये पार्ट भी जीरो हो रहा है, ये पार्ट भी जीरो हो रहा है. तो हम लोग एक काम करें कि हम लोग इसको इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दें सो दैट हम लोग कॉस को फिर साइन में कन्वर्ट कर लेंगे. इज इट क्लियर? ये काम हम लोग यहां कर सकते हैं. दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि ये जो रूट टू कॉस एक्स है, कॉस एक्स माइनस वन, ये भी जीरो है तो इसके कंजुगेट से भी मल्टीप्लाई कर दें. इज इट? क्योंकि इसका कंजुगेट भी नॉन जीरो होगा, इसका कंजुगेट भी नॉन जीरो होगा. तो दोनों के कंजुगेट से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट कितना होगा. सो देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 4 अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें दोनों के कंजुगेट से तो ये कितना हो गया, रूट टू कॉस एक्स माइनस वन इन टू साइन एक्स इन टू रूट टू कॉस एक्स प्लस वन. ये तो हो गया इसका कंजुगेट. फिर इसके कंजुगेट से भी मल्टीप्लाई कर दें तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स. डेनोमिनेटर में भी सेम अप्रोच, ये पहले से था कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, मैंने मल्टीप्लाई किया पहले इसके कंजुगेट से तो रूट टू कॉस एक्स प्लस वन, फिर मैंने मल्टीप्लाई किया इसके कंजुगेट से तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स. जेड अब देखिए क्वेश्चन का नेचर कितना चेंज हो गया. ये जैसे ही आपने लिखा तो ये और ये पार्ट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर मीन्स हो गया टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन. इस साइन एक्स को रहने दें, ये तो पॉजिटिव है, सॉरी ये तो नॉन जीरो है ही, इसलिए इससे हम लोगों को कोई प्रॉब्लम है नहीं. जो भी लिमिट में नॉन जीरो हुआ करे उसको हम लोग मान करके चले कि ये हार्मलेस है, उसको बस कैरी ओवर करेंगे. चलो डेनोमिनेटर पार्ट में देखो ये और इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, जैसे ही हम लोग कर रहे हैं तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब हो गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब थोड़ा देखो इसमें फिर से मैं वही बात कर रहा हूं कि रूट टू कॉस एक्स माइनस वन जीरो था, लेकिन रूट टू कॉस एक्स प्लस वन जीरो नहीं है। कब? जब एक्स का वैल्यू पाई बाय फोर लोगे। एक्स का वैल्यू अगर पाई बाय फोर लेते तो इसमें वन बाय रूट टू, तो वन बाय रूट टू मीन्स वन, वन माइनस वन जीरो, लेकिन यहां पर वन प्लस वन जीरो नहीं होगा, इसलिए उसको कैरी करो तो रूट टू कॉस एक्स प्लस वन। अब देखिए जो न्यूमरेटर पार्ट में आपको जो दिख रहा है, न्यूमरेटर पार्ट में ये कॉस टू एक्स है। कॉस टू एक्स का फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, उसी में अगर साइन स्क्वायर को चेंज कर दो कॉस स्क्वायर में तो इतना हो जाता है। इसका मतलब ये कॉस टू एक्स का फॉर्मूला है, ये भी कॉस टू एक्स का फॉर्मूला है। आगे हम लोग दोनों को कैंसिल करने वाले हैं, ये हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एंड इन द डिनोमिनेटर अगेन दिस वन इज कॉस टू एक्स, कॉस टू एक्स इन टू रूट टू कॉस एक्स प्लस वन। अब आप देखो ये दोनों कैंसिलेशन के बाद अब जितना भी बचा है इसमें से कोई जीरो मेकर नहीं है, इसमें से किसी का भी वैल्यू जीरो नहीं है। सो पुट द वैल्यू एक्स इज इक्वल टू पाई बाय फोर, तो एक्स का वैल्यू अगर पाई बाय फोर पुट करते हो तो ये कितना हो जाएगा, साइन पाई बाय फोर मीन्स वन बाय रूट टू, ये वन बाय रूट टू, साइन का वैल्यू वन बाय रूट टू, ये न्यूमरेटर में हो गया। डिनोमिनेटर पार्ट में देखो रूट टू इन टू वन बाय रूट टू प्लस वन, साफ साफ देख रहे हो न्यूमरेटर में हो गया वन बाय रूट टू इन टू, ये दोनों मिलकर के हो गया टू बाय रूट टू, टू बाय रूट टू। डेनोमिनेटर में ये दोनों कैंसल हो गया और हो गया वन प्लस वन टू। देखिए अब अगर आप इसको लिखो तो ये कितना हो गया, रूट टू कैंसल हो गया, ये वन वन और डेनोमिनेटर में टू। सो द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट पाई बाय फोर इज इक्वल टू वन बाय टू, एंड वी नो दैट इफ एनी फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन इट्स फंक्शनल वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू वन बाय टू। तो हम लोग लिखेंगे कि सिंस इट इज A continuous function at pi by 4, therefore limit x tends to pi by 4 fx must be equal to f pi by 4. So it means f pi by 4 must be equal to 1 by 2. This is the solution of this particular question. Go through it, pause it, and next question now. So I am with another question, and in this question again we have to find the value of k. लेकिन यहाँ ध्यान दो, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि ये जो फंक्शन है, फंक्शन x is not equal to 1 पर इतना है और x is equal to 1 पर k है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस बार हम लोगों को फिर से लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग से नहीं फाइंड करना चाहिए, इसलिए दोनों स्थिति में यही फंक्शन यूज होगा। इसका मतलब हम लोग सीधे सीधे लिमिट फाइंड करेंगे 1 पर, और ये फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो वन पर जो इसका लिमिट का वैल्यू होगा वो इक्वल टू के होगा, इससे हम लोग के का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो इट इज वेरी सिंपल अप्रोच, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन, लिमिट ऑफ द फंक्शन एट वन, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, फंक्शन को लिखेंगे एक्स माइनस वन टेन पाई एक्स बाय टू। अब देखो बेटा कभी कभी हम लोग एक बात का ध्यान रखें कि लिमिट अगर टेंड्स टू जीरो बनाने से हमारे पास क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होते हैं, इसलिए हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि टेंड्स टू वन को आप चेंज कर करके हम लोग टेंड्स टू जीरो में कन्वर्ट करें। देखो ये हर बार करना नेसेसरी नहीं होता, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि पहला अप्रोच अगर देखो इस तरह का तो वो ये होना चाहिए, यहां हम लोग वही करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या सोचेंगे, देखो एक्स टेंड्स टू वन है तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो टेंड्स टू जीरो होगा, उसी को सपोज कर लें। मान लो कि हम लोगों ने सपोज किया कि लेट x x माइनस वन इज इक्वल टू h, मतलब इन दोनों का डिफरेंस वन है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू वन प्लस h, अगर हम लोग ऐसा सपोज करते हैं तो उस केस में सोचो कि अगर x टेंड्स टू वन है तो सिंपली h टेंड्स टू जीरो होगा। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, देखो बेटा अगर x का वैल्यू 1 के बहुत करीब होगा तो इसका मतलब 1 और 1 के बीच का डिफरेंस, x और 1 के बीच का डिफरेंस h 0 के करीब होगा। तो अब इस ढंग से हम लोगों ने इसका कन्वर्जन कर लिया, अब ये लिमिट हो गया कितना, h टेंड्स टू 0, ये हो गया, ये पार्ट कितना हो गया, ये हो गया 1 प्लस h फॉर x माइनस 1 tan
पाई एक्स, यहां भी एक्स है, इसको भी वन प्लस एच लिखेंगे, डिवाइडेड बाई टू। देखिए ये दोनों कैंसल हो गया, नाउ वी हैव लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये हो गया एच, ये हो गया टेन, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं पाई बाई टू से, अंदर में ब्रैकेट ओपन कर दूं, तो ये हो गया पाई बाई टू प्लस पाई एच बाई टू। अब ये फिर से एकदम मिलता जुलता चीज हो गया, कितना टेन नाइनटी माइनस थीटा और टेन 90 प्लस थीटा, दोनों में कॉट लिखते हैं। यहां ध्यान रखना यह है कि ये जो एंगल है ये सेकंड क्वाड्रेंट का है, इसलिए tan phi by 2 plus थीटा इज इक्वल टू माइनस cot थीटा। तो चलो हम लोग ये वैल्यू यहां पर लिख लें, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो h, इसको हम लोग लिख लें माइनस cot pi h by 2। देखो माइनस तो हम लोगों ने चलो बाहर कर लिया, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यहां h हुआ, ये बताओ cot h by 2, इस समय अगर हम लोग h का वैल्यू जीरो रखें, चलो ये तो जीरो है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये वाला अगर हम लोग जीरो रख दें तो cot जीरो अनडिफाइंड होता है, इसका मतलब अभी हम लोग h का वैल्यू पुट करने की स्थिति में नहीं है। सो चेंज दिस वन इनटू cos एंड sin, तो राइट cos पाई h by 2 डिवाइडेड बाय sin पाई h by 2। अब देखो बेटा इन तीन फंक्शन में नजर डालो, ये जीरो है, लेकिन ये कॉस जीरो का वैल्यू जीरो नहीं होता है, ये वन होता है, इसका मतलब ये अपने लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है साइन। तो हम लोग थोड़ा सा इस बात को रिकॉल करें कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू वन होता है, सिमिलरली अगर हम लोग लिखे साइन लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो इज सॉरी लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स अपॉन साइन एक्स, तो ये भी हम लोग वन लिख सकते हैं। तो हम लोग इसी अप्रोच को यहां पर यूज करें, यहां जो एंगल है वो है पाई एच बाई टू, तो यही एंगल होना चाहिए ऊपर में, तो चलो हम लोग ऊपर में पाई एच बाई टू से मल्टीप्लाई कर लें। जब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी करना होगा, तो पाई एच बाई टू। अब थोड़ा नजर डालो, ये एच इसके साथ कैंसिल हो गया, ये टू ऊपर चला गया, तो अपने पास आया कितना लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ये टू बाई पाई, इसके बाद कॉस भी ले लो पाई एच बाई टू, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद देखो ये पाई एच बाई टू न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर में साइन पाई एच बाई टू। अब साफ देख रहे हो कि जो एंगल यहां है वही एंगल ऊपर में है, ये सिचुएशन है, तो इस केस में एच टेंड्स टू जीरो होने की स्थिति में हम इसको वन लिख सकते हैं। अब इसका वैल्यू पुट कर दो, ये टू बाई पाई cos 0 is equal to 1 and this one is equal to 1, so we got minus 2 by pi। अब हम लोगों को पहले से मालूम है कि ये function continuous function है, अगर ये function continuous है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका function का value इस limit के value के equal होगा, that means since it is continuous at x is equal to 1, therefore limit x tends to 1 per function का value must be equal to f1, और अभी हम लोगों ने इसका value find किया है, it is equal to minus 2 by pi, तो minus 2 by pi must be equal to this value k जो कि 1 पर है, तो it is equal to k, hence the value of k is equal to minus 2 by pi and that was expected to find, so now it is found। And for the next question, you prepare.